एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। आज हम क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे। जिन छात्रों में आरबीसी ऑनलाइन बाय दत्तात्रेय राउत ये यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं है, उन छात्रों से मेरी विनती है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रगण को शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, और आपको कोई भी सूचना देनी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे सूचना दे सकते हो। आज हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी में जो टर्मिनल एग्जामिनेशन होते हैं, ये टर्मिनल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट होता है, बहुत सारे छात्रों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। जो एनुअल एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर होता है और टर्मिनल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर जो होता है, उसमें बहुत सारी वेरिएशन होती है। इस वेरिएशन के माध्यम से टर्मिनल एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन पेपर होता है बायोलॉजी का, जिनमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती है और वो क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम विस्तृत स्वरूप से जानकारी आज प्राप्त करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर जो होता है, इनमें ये क्वेश्चन पेपर जो होता है, फिफ्टी मार्क्स के लिए होता है और उसके लिए समय होता है 2.5 घंटे। दी क्वेश्चन पेपर्स कैरी दी अ 50 मार्क्स एंड टाइम इज 2 आवर्स एंड 2.5 आवर्स। जैसे कि जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में हम जो भी जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं उनमें सेक्शन ए जो है उनमें क्वेश्चन नंबर 1 कंटेन दी 7 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरी दी 1 मार्क ईच। जैसे कि एमसीक्यूज इसमें पूछे जाते हैं, उसमें 7 डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देन क्वेश्चन नंबर 2 कंटेन दी 7 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। इनमें आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी 7 1 सेंटेंस आंसर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, उनमें आपको एक वाक्य में उत्तर को प्रेजेंट करना चाहिए। देन सेक्शन बी जो होते हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 13 आर शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ द क्वेश्चन होते हैं, कैरी दी 2 मार्क्स ईच। इनमें कम से कम 4 पॉइंट को कवर करना चाहिए आंसर में। देन सेक्शन सी व्हिच आर कंटेन दी क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 19 आर शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच कैरी 3 मार्क्स ईच, जिनमें 3 मार्क्स ईच पाए जाते हैं। देन सेक्शन डी जो होते हैं, सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 20 टू क्वेश्चन नंबर 23 आर लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, जिनमें कैरी दी 4 मार्क ईच, जिनमें 4 मार्क के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। फिगर्स आर टू राइट इंडिकेट द फुल मार्क्स, फिगर को पूरी तरह से मार्क क्रेडिट होते हैं। देन देखिए सेक्शन ए में हम विस्तृत स्वरूप से पढ़ेंगे, जिनमें जिनमें क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए में आपको आंसर बुक में अलग से यहाँ पे सेक्शन ए लिखना जरूरी है। सेक्शन ए इस प्रकार से जो है उसमें जो भी
क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिस सेक्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर वन, सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर। सब क्वेश्चन जो होते हैं इस प्रकार से होते हैं, रोमन में लिखे जाते हैं 1 to 7 MCQs। दिस वन MCQs कैरी दी 1 mark फॉर इच एंड 7 MCQs आर आस्क। जैसे ही 7 MCQs के बारे में हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप आंसर लिख रहे हो आंसर बुक में, इस प्रकार से एरो कर यहाँ पे हम क्वेश्चन जो सब क्वेश्चन जो MCQs का होता है इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख कर देन स्टार्ट दी आंसर। उसको आंसरिंग करने के लिए आपको जो भी अल्फाबेट आंसर में ऑप्शन में दिए जाते हैं उनमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करके, सपोज यू हैव टू चूज दी सेक्शन क्वेश्चन नंबर वन में ऑप्शन ए अगर आपके विचार से अगर करेक्ट ऑप्शन है तो उसको लिखने के लिए यहाँ पे उसका जो अल्फाबेट्स दिया जाता है उस अल्फाबेट को लिखना बहुत जरूरी होता है। इसके माध्यम से यहाँ पे जो अल्फाबेट्स में जो भी वर्ड्स दिया है उस वर्ड्स को भी राइट करना बहुत जरूरी होता है। इस प्रकार से MCQs दैट विल बी राइट इन अ सीक्वेंस मैनर। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिख दिया, बाद में 2 आएगा, बाद में 3 आएगा, बाद में 3rd, 4th, 5th ऐसे ही आपको लिखना है। दैट विल बी सेज दैट सिक्वेंशनल। सिक्वेंशनल जो भी है MCQs का जो सिक्वेंस है इस प्रकार से होगा। और ये MCQs के जो भी क्वेश्चन है वो आपको एक ही अटेम्प्ट में लिखना जरूरी होता है। जैसे कि अगर कोई कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दैट विल बी सॉल्व मेनी टाइम्स, दीज आर दी नॉट कंसिडर, दीज आर नॉट असेस बाय दी एग्जामिनर, दीज आर दी अटेम्प्ट ओनली वन टाइम्स। इसका मतलब क्या होता है, छात्रों ने इस क्वेश्चन को एक ही बार एक ही प्रयत्न में आपको इसको सॉल्व करवाना है। अगर बार बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व किया है उसी को ही आपके आंसर को कंसीडर किया जाएगा फॉर क्रेडिट डिमार्क्स। अदरवाइज देर इज अ नॉट क्रेडिट डिमार्क्स इन टू सॉल्व द मेनी टाइम्स। देन हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। जो यहाँ पे 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए यहाँ पे उसी प्रकार के यहाँ पे जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं इसको आंसरिंग करवाने के लिए इस प्रकार से एरो करके यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे राइट करवाना है, फिर बाद में उसका जो आंसरिंग जो है इस प्रकार से आपको यहाँ पे राइट करवाना है। राइट करते वक्त यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप वन सेंटेंस आंसर में जो भी आंसर लिखते हो वो अगर वर्ड्स में लिखते हो तो दैट विल बी नॉट अ कंप्लीट आंसर। यू हैव टू राइट द कंप्लीट स्टेटमेंट। इन दैट कंप्लीट स्टेटमेंट रिक्वायर्ड द देयर इज अ रिक्वायर्ड द परफेक्ट आंसर। दिस आर द क्रेडिट द फुल मार्क्स। इसी को फुल मार्क्स क्रेडिट किया जाता है। जो भी यहाँ पे वंस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ द क्वेश्चन में लिखने के लिए अगर वर्ड्स में अगर आप खाली वर्ड्स लिखेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड जो भी है, वर्ड्स इज अ नॉट आंसर, दी री राइट द आंसर स्टेटमेंट इन द फॉर्मेट सो दैट सेक्शन ए के बाद में सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में भी इस प्रकार के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अटेम्प्ट इन 8। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 to question number 13 यानी कि आपको यहाँ पे 8 क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है। शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरी द 2 marks ईच। देन अगर इसमें कम से कम अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखते हैं, सेक्शन लिखते हैं, आपको ये सेक्शन भी लिखना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे जिस प्रकार के सेक्शन बी जो है
सेक्शन बी को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री आपने लिखना स्टार्ट कर दिया है, क्वेश्चन नंबर थ्री न्यू पेज पे लिखेंगे। इस प्रकार से ये जो पेज होता है न्यू पेज पे, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे एक क्वेश्चन नंबर थ्री। जैसे ही थ्री लिख दिया मैंने, इसका आंसर एग्जाम लिखते हो तो उसमें आंसर दैट विल बी अ राइट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट कंसर्निंग द आंसर। आंसर के माध्यम से इसको लिखते समय आपको पॉइंट वाइज लिखना बहुत जरूरी होता है। ईच क्वेश्चन फॉर द 2 मार्क्स, यहाँ पे कम से कम मिनिमम 4 to 5 पॉइंट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट। देन 4 to 5, जैसे कि यहाँ पे 4 या 5 मुद्दों को आप विस्तृत स्वरूप से लिखना बहुत जरूरी होता है। ईच कैरी दी हाफ मार्क्स। इस प्रकार से 2 मार्क्स यहाँ पे क्रेडिट होते हैं। जैसे कि ईच पॉइंट कैरी दी हाफ मार्क्स, कम से कम इस आंसर में इस प्रकार के 2 मार्क्स के लिए जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको कम से कम दैट कंसर्निंग द आंसर 4 या 5 मुद्दों को लिखना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए आपको यहाँ पे फुल क्रेडिट द मार्क्स होते हैं। यहाँ पे और प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि डिस्टिंग्विश के क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाएंगे। डिस्टिंग्विश यानी कि फर्क स्पष्ट करना, डिस्टिंग्विश डिफरेंशिएट और डिफर फ्रॉम दिस, डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है कि फर्कों को स्पष्ट करना। जैसे कि फर्क जो होता है यानी कि डिस्टिंग्विश, इस प्रकार से आंसरिंग आपको लिखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि बच्चे जो होते हैं, जो भी छात्राओं को लिखना इस प्रकार से अपेक्षित होता है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि मैं बताऊंगा यहाँ पे कॉर्डेट जो फाइलम्स है इज क्लासिफाई विद दी और डिफरेंशिएट विद दी नॉन कॉर्डेट के जैसे जो एग्जांपल्स होते हैं, इस प्रकार से आप यहाँ पे कंपेरेटिवली पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। कंपेरेटिवली पॉइंट्स आपको यहाँ इस प्रकार से लिखना बहुत जरूरी होता है। कम से कम यहाँ पे मिनिमम आपको 4 मुद्दों को ठीक तरह से एक्सप्लेन करना एज पर दी कंपेरेटिव पॉइंट्स में आपको लिखना बहुत जरूरी होता है। देन इसमें और प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी ड्रॉ डायग्राम्स, डायग्राम जो होती है, ड्रॉ द डायग्राम, डायग्राम के भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। बोर्ड के क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायग्राम जो डायग्राम होती है, डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ द डायग्राम, अगर आपने डायग्राम को स्केच किया है, स्केच करते हो तो स्केच कैरी दी हाफ मार्क्स एंड लेबल्ड कैरी दी वन एंड हाफ मार्क्स। डायग्राम के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्केच के लिए आपको हाफ मार्क्स क्रेडिट होगा और लेबलिंग के लिए 1.5 मार्क्स क्रेडिट होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट क्वेश्चंस, देन सिग्निफिकेंस के प्रकार के क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। सो दैट इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। देन सेक्शन सी जो होते हैं, सेक्शन सी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं अटेम्प्ट एनी
फोर, अटेम्प्ट एनी फोर, सेक्शन सी जो होता है इनमें फोर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 19, शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड, कैरी दी 12 मार्क्स, यानी कि ईच क्वेश्चन कैरी दी अ 3 मार्क्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 14वां जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप एंसरिंग करवा रहे हैं आंसर बुक में, इस प्रकार से हम लिखेंगे। और आंसर को लिखते समय आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 14 आप आंसर लिख रहे हो, उसमें यहाँ पे कम से कम 6 मुद्दे इस आंसर के माध्यम से आपको लिखना बहुत जरूरी होता है। दीज आर दी कंटेन दी 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्ड टू आंसर, ईच पॉइंट कैरी दी हाफ मार्क्स। जैसे कि 3 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है तो आपको लिखना कितना पॉइंट लिखना जरूरी होता है, यानी कि 6 मुद्दों को आपको इस तरह से विस्तृत स्वरूप से लिखना जरूरी होता है। देखिए यहाँ पे 6 मुद्दे इस प्रकार से आप लिख सकते हैं आंसर बुक में। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 19 शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ द क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे, डायग्राम के लिए 1 मार्क रहेगा, स्केचिंग के लिए और लेबल के लिए 2 मार्क रहेंगे, डिफ्रेंसिएशन बिटवीन दी 2 पॉइंट्स, वहाँ पे फर्क स्पष्ट करा जैसे प्रकार के क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाएंगे, डायग्राम बेस्ड रहेगा। देन आफ्टर दिस मैच द कॉलम्स, कॉलम को मैच करने के लिए, जैसे कि कॉलम ए इज मैच विद द कॉलम बी, कॉलम ए इज मैच विद द कॉलम बी, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करवा दीजिए। इस प्रकार के भी क्वेश्चन इस टर्मिनल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, आपको ठीक तरह से इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। देन सेक्शन डी में भी इस प्रकार के क्वेश्चन जो आते हैं, सेक्शन डी ये देखिए, सेक्शन डी अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग्स, दो प्रकार के क्वेश्चन को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 20 टू क्वेश्चन नंबर 23, दीज आर दी हैविंग दी लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ द क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन को आपको यहाँ पे सॉल्व करवाना है। दिए गए क्वेश्चन में जो है उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, एंड दिस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आपको आंसर लिखना मिनिमम 10 पॉइंट्स लिखना बहुत जरूरी होता है, 10 to 12 पॉइंट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स। देन डायग्राम, अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, डायग्राम पे पूछे जाते हैं तो डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना बहुत जरूरी होता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको लॉन्ग आंसर में डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिस्क्राइब द होल प्रोसेस, डिस्क्राइब द इंटायर प्रोसेस, डिस्क्राइब द एक्सप्लेन द विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, एक्सप्लेन द, ऐसे बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको इस प्रकार का क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको लिखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मैंने आपने डिस्क्राइब कर दिया है। थैंक यू सो मच।